नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के अहमदाबाद के झुआबुरा विस्तार में सनफ्लावर अपार्टमेंट के रहीसों को बिल्डर्स की लापरवाही की वजह से हालाकियों का सामना करना पड़ रहा है। अपार्टमेंट के लिफ्ट खस्ता हालत में है और सिक्योरिटी गार्ड लापरवाह होने की वजह से गाड़ियों की चोरी की संभावनाएं बनी रहती हैं। बिल्डर ने रहीसों से जो जो वादे किए थे वो बिल्डर पूरा नहीं कर पाए। बार बार बिल्डर को शिकायत करने के बावजूद बिल्डर यहाँ के रहीसों की बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। और वहाँ की एक बात और भी ध्यान में आई है कि इसी अपार्टमेंट के बाहर अतिक्रमण बिल्डर की अनुमति से किया गया है। तो अहमदाबाद के जुहापुरा में सनफ्लावर अपार्टमेंट में कुछ गैरकानूनी काम हुआ है, जैसे कि इसका जो बाथकाम है उसमें कुछ जोलजाल हुई है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बिल्डर से भी बात की कादरी साहब से, लेकिन वो भी कुछ सुनते नहीं है। अभी अभी एक भाई आए थे जो यहाँ पर उनकी दुकान को शटल को लॉक करके वो चले गए, पता नहीं क्यों चले गए। अभी इन लोगों को बोलते थे कि अभी आते हैं बिल्डर, आप उनसे बात कर लो। आइए, क्या क्या यहाँ पर तकलीफ है वो जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है इरफान मेमन। इरफान भाई, क्या तकलीफ हुई है यहाँ पर? यहाँ पर मैं रेसिडेंट हूँ सनफ्लावर एनक्लेव में, TP85 में। अब यहाँ पर बिल्डर ने ये सोसाइटी हमको करीबन 10 साल से हैंडओवर नहीं किया है और यहाँ का मेंटेनेंस भी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो कमर्शियल जो इन्होंने शॉप दिया हुआ है वहाँ पे लोग इलीगल रास्ते के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया हुआ है। अब उसके लिए हमने उनको बिल्डर को बुलाने की कोशिश की और जो यहाँ के ऑनर है शॉप के उनको भी बुलाने की कोशिश की, मगर कोई नहीं आ रहा है और वो लोग अपना इलीगल काम करते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने आपका सहारा लिया है इस वक्त। अभी अभी एक भाई ने भी बताया कि ये बाजू बीयूनी है। हाँ, तो वो क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम है? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे तीन बिल्डर हैं, ये ए और बी विंग में कादरी साहब बिल्डर हैं, शकील अहमद कादरी साहब। उसके बाद एक मोहम्मद अली भाई करके बिल्डर है सी विंग में, और यहाँ के बिल्डर जो हैं वो अलग हैं, ई डी सलीम भाई करके हैं, वो बिल्डर अलग है। अब उनको बीयू अभी इश्यू नहीं हुआ है। तो बीयू इश्यू नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम भी हो सकती है ना? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उनको किस रीज़न के हिसाब से बीयू इश्यू नहीं हुआ है वो तो वही बता सकते हैं सलीम भाई कि क्या प्रॉब्लम है। मगर यहाँ पे जो सोसाइटी हमको हैंडओवर नहीं की है उस वजह से रात में यहाँ कोई हमारे पास ये भी नहीं है वॉचमैन, रात में वॉचमैन नहीं है। जो एमिनिटीज़ हमको बिल्डर ने बोला था कि हम ये एमिनिटीज़ आपको लगा के देंगे, ये फैसिलिटी हम आपको करके देंगे, जैसे गेट लगाना है, गार्डन को तैयार करना है और यहाँ पे मतलब इबादत खाने बना के देने हैं या वॉशरूम बना के देने हैं, वो कोई काम बिल्डर ने यहाँ पे किया नहीं है। और लास्ट पिछले 10 साल से हमको सोसाइटी हैंडओवर भी नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब यहाँ सब लोग रहने आए सब लोग, तो रूल्स रेगुलेशन भी होता है बिल्डर की ओर से जो आपको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, इतनी फैसिलिटी मिलेगी, ये सब बताया था आपको? हाँ, ये सारी चीज़ें बताई हुई है, ब्रोशर में भी उन्होंने दिया हुआ है। तो ब्रोशर में जो लिखा है वो नहीं है? नहीं, उसमें से 50% काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे। जैसे गार्डन बना के देना है, आज 5 साल से उन्होंने गार्डन कम्प्लीट नहीं किया है। यहाँ पे मस्जिद बना के देना था, इबादत खाना, वो नहीं दिया है। और वॉशरूम बना के देने थे नीचे, चौकड़ी वगैरह, वो नहीं दी है उन्होंने। गेट बनाना था आगे, यहाँ पे गेट नहीं बनाया है, कोई फैसिलिटी नहीं दी है नीचे, और होम सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। तो बिल्डर कहता क्या है? वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं कि भैया गेट नहीं बनाई है, इन लगे अनलीगल? वो वायदे कर रहे हैं कि अब हैंड ओवर करेंगे, 6 महीने में कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे, यही बात हो रही है। लेकिन हैंड ओवर कर देंगे बात सही है, तो हैंड ओवर कब करेंगे? उसके लखान बखान है उसके पास? नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं वो। रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं वो। ये भी नहीं रहे? नहीं, नहीं दिया, अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है। आप दूसरों से भी? दोस्तों, कुछ और भी नागरिक है जो यहाँ पर ही रहते हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं। चाचा, क्या कहेंगे? कहना क्या है, हम लोग 1.5 साल में आए हुए हैं और 1.5 साल में कम से कम 20-22 बार इन्होंने प्रॉमिस किया अगले महीने में कर दूंगा, अगले महीने में कर दूंगा, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द एमिनिटीज। अब कुत्ते घूम रहे, बताइए, बच्चों पर कुत्ते हमला करते हैं। इसमें वॉचमैन एक तरफ बैठा हुआ है, बाकी है ही नहीं है कोई, करें तो क्या करें? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपने इतनी बार बोला, 10-15 बार 20 बार शायद ज्यादा, बिल्डर को वो अनदेखी क्यों करता है? इसलिए कि यहाँ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। जो हमें सर्विस वाले हैं बेचारे अपना सर्विस में लगे हुए हैं, सुबह जाते शाम को वापस आते हैं, शाम को मिलता ही नहीं बिल्डर, कहीं और काम शुरू कर दिया है। हम लोगों को आश्वासन दिया, हम तो ट्रांसफर हो गए पटना से, इधर मेरा लड़का RM है तो उसके साथ साथ मैं रहता हूँ। यहाँ देखा कि लोग अच्छे हैं, सोसाइटी ठीक बन रही है, तो चलो यहाँ मैंने ले लिया।
लेकिन उसके बाद दो बार तीन बार मिले, कहा उनको कि भाई आपने इबादतगाह बनाने को कहा था कि हम मस्जिद बना देंगे। ये रास्ता देखिए जो पार्किंग है, जहाँ देखिए वहीं गंदगी फैली हुई है, वॉचमैन नहीं है, गेट नहीं लगा हुआ, गार्डन नहीं बना हुआ। अब बच्चे हमारे खेलें तो कहाँ खेलें, अब पोता मेरा चौथे तीसरे और पहले क्लास पढ़ता है, उन सब को खेलने की जगह नहीं है। ये तो हम लोग आज देख करके, अगर अगर आने वाले दिनों में आपकी इतनी कंप्लेन करने के बावजूद बिल्डर कुछ सुनता नहीं है, तो आने वाले दिनों में आप लोग क्या करेंगे? भाई मैं तो मेरे बेटा का ट्रांसफरेबल जॉब है, आज नहीं कल ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं दूसरे सिटी में चले जाएंगे, हम तो यही करेंगे ना, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं, इसलिए कि ये बिल्डर तो मिलता ही नहीं है, अरे कोई बात सुनता। अब हमने बैंक से लोन ले करके पैसा दिया इसको, 4 लाख का एक चेक था वो मैंने ला के दिया, और मैं खुद जाके ले आया, और लाने के बाद उसको हैंड ओवर किया कि भाई तू रिसीट दे दे ताकि मैं बैंक में जमा कर दूँ, आगे मुझे फाइन ना देना पड़े। वो अभी 20 दिन के बाद दिया भी रिसीट तो गलत दिया था, मैं रहता हूँ D504 में और दिया 501 का रिसीट दे दिया मेरे को, तो मैंने उसको वापस किया परसों, बावजूद इसके आज तक कभी दिया नहीं उसने रिसीट कि मैं उसको लेके जाके दूँ। यहाँ जो लिफ्ट लगी है, दिन में 5 बार लिफ्ट खराब होता है, उसने कहा कि ये एड्रेस है लिफ्ट वाले का, ले लीजिए, कितना उसको हम बुलाएं, पुराना लिफ्ट लगा दिया सेकेंड हैंड लेके और खराब होता है। अब लोग तो 10-10 साल से यहाँ पे हैं, मैं तो 1.5 साल हुआ आए हुए, 1.5 ईयर, क्या कर सकता हूँ, मजबूरी में हूँ और कोई बात नहीं है। अब अभी मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जो इसने एग्रीमेंट में दिया एग्रीमेंट करके उसको फुलफिल नहीं कर रहा। जो ये दोस्तों ये जो चाचा है, ये ऐसे यहाँ पर वैसे सब पढ़े लिखे हैं, सब रोजगार वाले लोग लग रहते हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बेकार में कोई है, लेकिन तकलीफ क्या है कि बिल्डर को बार बार मिन्नतें की है इन लोगों ने कि भी हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन पता नहीं बिल्डर इनकी बात सुनते ही नहीं है, और जब आने को बोलता है तो वो वायदा करता है कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन मिलते नहीं है। आज भी ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने फिर तंग आकर आज मीडिया को बुलाया है कि भी हमारा कुछ करो, यहाँ पे कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है और ना हो पाया है, तो आप हमारी सुनो, और सरकार से भी निवेदन है, कॉरपोरेशन भी निवेदन है कि भी इस बिल्डर को कुछ बीच वाला रास्ता निकालने के लिए समझाएं, तो ताकि इन लोगों का भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखना होगा कि इन लोगों के काम होता है या फिर जैसे थे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं गिरीश जोशी, दिव्य भारत न्यूज़, अहमदाबाद। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही, लगातार खबरें देखने के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।